नेक्स्ट देखिए बेटा, इस पार्ट को जब हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ये जो हमने लिया है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, इस प्लस वाले टर्म के साथ इस प्लस वाले टर्म को ले लेते हैं, यानी लेफ्ट साइड को मैंने लिख दिया cos 3x plus cos x minus cos 2x upon, इसी तरह मैंने लिख दिया इसको sin 3x plus sin x minus sin 2x, ठीक है बेटा। अब यहां आपका cos c plus cos d लग गया, तो cos c plus cos d होता है 2 cos c plus d upon 2 और cos c minus d upon 2 minus cos 2x, नीचे बेटा sin c plus sin d लग जाएगा 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2 और माइनस साइन टू एक्स। सोल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा 2 cos 4x by 2 कितना बच जाएगा 2x cos 3x minus x 2x by 2x आएगा minus cos 2x, 2 sin ये हो गया 4x by 2 2x cos x minus sin 2x। अब ऊपर से बेटा cos 2x कॉमन आ गया, यहां बचेगा 2 cos x माइनस 1 बचेगा और नीचे से साइन 2x कॉमन आ गया, 2 cos x माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट बच गया बेटा cos 2x अपॉन साइन 2x, तो cos बटा साइन क्या हो जाएगा बेटा cot 2x, यही आपने प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट जो हम लेके चलते हैं, देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ बेटा इस तरह से इसको बनाते हैं कि ये 7 है और ये 1 है, तो इन दोनों का सम 8 हो जाएगा और इस 3 और 5 का सम भी 8 हो जाएगा, इसी तरह नीचे भी 7 और इस 1 का सम 8 हो गया और इस 5 और 3 का सम 8 हो गया, यानी इस प्रकार से लिखा मैंने 7 sin 7 a के साथ तो मैंने sin a ले लिया बेटा क्लियर में, और sin 5 के साथ मैंने sin 3 a ले लिया, ठीक है। अब नीचे इसी प्रकार से लेना है आपको, cos 7 के साथ तो cos a ले लेंगे और प्लस cos 5 के साथ cos 3 ले लेंगे। अब यहां फॉर्मूला आपका बनता है बेटा sin c plus sin d, तो ये होता है 2 sin c plus d upon 2 और cos c minus d upon 2, sin c plus sin d 2 sin c plus d upon 2 और cos c minus d upon 2, नीचे बेटा cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, यहां भी cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, ये आ गया बेटा 2 sin कितना हो गया ये 8 8 by 2 4 a cos 6 6 by 2 3 a, ये आएगा 2 sin 8 8 by 2 4 a और 5 minus 3 2 2 by 2 a cos a, नीचे आएगा 2 cos 7 1 8 8 by 2 4 a cos 7 minus 1 6 6 by 2 3 a 2 cos 8 8 by 2 4 a और ये आएगा बेटा cos a। अब ऊपर से क्या करते हैं हम 2 sin 4 a को कॉमन लेते हैं, 2 sin 4 a ऊपर से कॉमन आएगा बेटा, ये बचेगा cos 3 a और प्लस cos a, नीचे से बेटा हम कॉमन ले लेते हैं 2 cos 4 a, 2 cos 4 a नीचे से कॉमन आएगा, फिर बचता है आपके पास cos 3 a और प्लस cos a, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो sin 4 a upon cos 4 a क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका tan 4 a, ठीक है बेटा। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप करोगे
तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना बेटा 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा 2 साइन 11 ए साइन ए प्लस 2 साइन 7 ए साइन 3 ए, नीचे आ जाएगा 2 कोस 11 ए साइन ए 2 cos 7 a sin 3 a। अब बेटा यहां फार्मूला लगता है 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b का फार्मूला हो गया बेटा cos a minus b minus cos a plus b, यहां बेटा 2 sin a sin b फिर वही फार्मूला cos a minus b minus cos a plus b, नीचे लेके 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b का जो फॉर्मूला हो गया बेटा sin a plus b minus sin a minus b, tan a, यहां आ रहा है 2 cos a sin b, सेम यही फॉर्मूला हो गया sin a और b का सम कर दो tan a और minus sin a और b को minus कर दो तो 4 a। अब ऊपर देखिए cos tan a से cos tan a कैंसिल हो गया, ऊपर बचता है आपके पास cos 4a minus cos 12a, नीचे आपके पास sin tan a से sin tan a कैंसिल हो गया तो sin 12a minus sin 4a। अब यहां आप फॉर्मूला लगाओगे ऊपर cos c minus cos b 2 sin c plus d 16 by 2 8 8 और sin d minus c 12 minus 4 8 8 by 2 कितना आएगा 4a, नीचे साइन सी माइनस साइन बी तो साइन सी माइनस साइन बी को हो गया 2 cos c plus b अपॉन 2 और साइन सी माइनस बी 12 माइनस 4 8 8 बाई 2 4a, तो यहाँ साइन 4a से साइन 4a कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा साइन 8a अपॉन 4 से क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका tan 8a रिजल्ट आ जाएगा।